बेटा राधिका। हाँ माँ। अगले हफ्ते तुझे देखने वाले आ रहे हैं। क्या? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे जल्दी तुझे नहीं है, हमें तो है। अब तू पूरे 25 साल की हो गई है, लोग क्या बोलेंगे, अभी तक शादी नहीं की। पर मॉम मुझे भी और स्टडी करनी है, कुछ बनना है। अरे क्या करेगी इतना पढ़ लिख के, वैसे भी हम कौन सा तुझसे नौकरी करवाने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए तेरी कमाई, और इससे अच्छा रिश्ता कोई मिलेगा भी नहीं। देख मेरी बात सुन, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ना मत बोल, बहुत खुश रहेगी। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, शादी कर ले बहुत खुश रहेगी। पापा आप तो समझो, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे बेटा, लेकिन हर लड़की को एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है ना। ठीक है, आप जैसे बोलो वैसा। आ गई, थैंक यू, बैठो। माँ से बात कर रहे थे? हाँ माँ से बात कर रहा था। वो दहेज के बारे में बात कर रही थी? अरे नहीं, दहेज की बात कहाँ आ गई इसमें, बस हालचाल ले रही थी माँ। और तुम? आपको तो पता ही है ना कैसे हालातों में हमारी शादी हुई है। मैंने सुना। अरे यार तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं बोली मेरी माँ ने, मैंने कभी बात की तुमसे दहेज की, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो तुम। वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ तुम। क्या? बोलो ना। मुझसे प्यार करती हो ना? अच्छा सुनो, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अपना एक बिजनेस डाल लूं। ये तो मैंने अपने दोस्त से बात की है। अच्छी बात तो है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, 50 लाख। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम अपने पापा से बात कर लो, शायद काम हो जाए। उन्होंने पैसे दे दिए तो हम लोगों का काम हो जाएगा। देखो इसमें हमारा फ्यूचर है, अगर बिजनेस डालूंगा तो आगे जाके हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा। तुम्हें अच्छे से पता है पापा ने हमारी शादी के लिए अभी 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है, और अभी सिर्फ एक महीना ही तो हुआ है हमारी शादी को, वो कर्जा भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले मैं अभी उनको ये 50 लाख रुपए के लिए कैसे कह दूं, वो कहां से देंगे बेचारे, और अचानक से 50 लाख के लिए कैसे बोल दूं मैं उनको। देखो बट हम लोग लौटा देंगे ना, जैसे बिजनेस चलेगा हम लोग सारा पैसा लौटा देंगे। मैं जानता हूं कि, लेकिन अगर हमारा बिजनेस चलेगा तो हम उनका सारा पैसा लौटा देंगे, और उनके जो पहले के पैसे हैं वो भी दे देंगे ना यार, समझो। पर वो कहां से लाएंगे इतनी बड़ी रकम, कहां से मैनेज करेंगे, कैसे ला के देंगे, नहीं हो पाएगा यार, कैसे बोल पाऊंगी मैं उनको। अरे यार बात को समझने की कोशिश कीजिए, इतनी बड़ी रकम के लिए मैं उनसे कैसे कहूं। मैं समझ रहा हूं, एक बार ट्राई तो करो, शायद काम बन जाए। प्लीज मेरी खातिर करोगी ना कॉल, प्लीज हमारे खातिर। मैं बात करती हूँ, मैं कोशिश कर सकती। मैं जानता था
तुम जरूर करोगी। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी यार। तुम बहुत अच्छी हो, सही में बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, मुझे मार्केट जाना है, जल्दी वापस आता हूँ। ओके ठीक है। क्या करूं, पापा से बोलूं या नहीं, क्या सोचेंगे वो लोग और कहां से लाएंगे इतने पैसे। बोलूं नहीं, कैसे बोलूं मैं उनको, ये इतना बड़ा अमाउंट कहां से करेंगे वो मैनेज। मेरे साथ मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, नहीं कर सकती मैं। हाँ आ गया। और क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। हाँ आपके लिए खाना ले आऊं? अरे खाना तो खा लेंगे, पहले तुम इधर बैठो। और ये बताओ तुमने खाना खाया कि नहीं? और हाँ, बात किया पापा से? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं पापा से बात नहीं कर पाई। बात नहीं कर पाई? अरे क्यों? मैं क्या कहती हूँ उनको, वो ऑलरेडी कर्जे में, कैसे मैनेज करेंगे वो इतना बड़ा अमाउंट। क्या गुजरेगी उन पे ये सुन के। अरे यार मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। अभी मैं क्या बोलूं यार तुमको, एक छोटा सा काम के लिए तुमको बोला था और वो भी नहीं हुआ। मैं कैसे बोलूं, उनके पास नहीं होगा इतना बड़ा अमाउंट, कहां से लाएंगे वो, मैं नहीं कर सकती इस टॉपिक पे बात। तुम एक कॉल तक नहीं कर पाई, ट्राई तो करती एक बार। मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं मांग सकती उनसे इतना बड़ा अमाउंट। कितनी उम्मीद थी तुमसे, बिजनेस शुरू करना है, पैसा नहीं है हमारे पास, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। I'm so sorry. सॉरी का मैं क्या करूंगा, पैसे चाहिए थे मुझे, पता कितनी उम्मीद थी तुमसे, पता है कितनी मुसीबत में हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं मैं, अपने लिए ना। एक काम बोला था वो भी नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं यार। मैं जा रहा हूं सोने। मेरी बात तो सुनो, भगवान क्या हो रहा है ये मेरे साथ, एक तरफ ससुराल है और एक तरफ माँ बाप। मम्मी पापा
आज जो मैं ये करने जा रही हूँ, शायद इस वीडियो को देखकर आपको गुस्सा आए और बहुत बुरा भी लगे, पर मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। आप लोगों ने मेरी शादी तो कर दी, इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं। अरे क्या मर गई थी क्या, इतनी देर हो गई दरवाजा खोलने में। आपने ड्रिंक की? हाँ तो खाना लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं खाना है मुझे, खाना जाओ। पता नहीं किस मनोज घड़ी में तुमसे शादी हो गई थी। मैंने क्या किया? सही कहती है माँ, गरीब खानदान की गरीब की लड़की से शादी करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जाओ। हर वक्त मुझे मारा पीटा जाता है सिर्फ दहेज के लिए। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पर लाके खड़ी करती है मुझे। किससे क्या बात कहूं वही समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा मेरा? पर अभी क्या करना चाहिए मुझे? ए घूम, इतना बंठन के किधर जा रही है तू? मैं कहाँ जाऊंगी? बात की आपने बाप से? मैं नहीं कर सकती बात। तो क्या कर सकती है तू? मेरे सर पे बैठी रहेगी? आप किस तरह से बात करते हैं मुझसे? वाइफ हूं मैं आपकी। बिल्कुल आवाज नहीं आ। छोड़िए। बिल्कुल आवाज नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पैसे ला के दे, कहीं से भी ला के दे। छोड़िए मुझे। कोशिश की आपको बताने की, पर बताती भी तो क्या बताती कि मुझे पैसे चाहिए आपसे। काश कि आपने मुझे मेरे अपने पैरों पे खड़े होने दिया होता तो शायद मुझे ये सब बर्दाश्त करके जीना नहीं पड़ता। ए, इधर घूम। छोड़िए मेरा हाथ। बात किया? पैसे मांगे तूने? मैंने बोला ना मैं बात नहीं कर सकती, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं बात नहीं करने वाली हूँ। क्या कर सकती है? मेरे साथ जुबान लड़ाएगी तू? हाँ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगी मैं? हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है
मैं सबको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। इस वीडियो को बनाने का मेरा से कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत ठहराना चाहती हूं। मैं तो एक ऐसे दलदल में फंस चुकी हूं जहां से मैं निकल ही पा रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, और यहां रहकर भी क्या मिलेगा मुझे? सॉरी, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था।